आमों का मौसम है, बाजार में तरह तरह के आम भी बिकने के लिए आ गए हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस साल बागवानों और कारोबारियों का क्या हाल है? कोरोना संकट में उन्हें किस तरह की चुनौतियां झेलनी पड़ रही हैं? देखिए ये रिपोर्ट। सरकार ने तो बिल्कुल मंडी बंद कर दी, कैसे माल बेच पाए, बिल्कुल मंडी बंद कर दी, आम खराब हो रहा है, सारे किसानों को नुकसान हो रहा है। जबकि सेंटर ने पहले ही हमारे को मैंगो पे बिल्कुल छूट कर दिया था, टैक्स फ्री कर दिया था, उसका बेनिफिट क्या मिलेगा? जब आदमी सड़ जाएगा आम तो क्या बेनिफिट होगा? कुछ भी नहीं होगा। जब मंडियां ही बंद हैं तो आम कैसे बेचें? बीते ढाई महीने से आम के व्यापारी और बागवान दोनों इसी सवाल से जूझ रहे हैं। फल आने के वक्त मौसम खराब हुआ, फिर कोरोना संकट और उसके बाद लॉकडाउन। इस तिहरी मार ने आम उत्पादकों और कारोबारियों को चारों खाने चित कर दिया है। सीजन जो है बिल्कुल बेकार रहा, कोई सीजन आम की पोजीशन सही रही नहीं। शुरू से एक तो पुरवाई चल रही, दूसरे कोरोना का मामला रहा और जो खरीदार है वो तो आधे से ज्यादा घाटा उन लोगों को, इसलिए 200 रुपए में खरीदी लगभग उन्होंने और बिक रहा वो 60 रुपए पेटी के हिसाब से, 70 रुपए पेटी के हिसाब, 100 रुपए पेटी के हिसाब से, तो बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। 20-25 रुपए किलो रेट का खरीदा हमने और बिक रहा है 7-8 रुपए किलो, तो हम घाटे में चले गए। लॉकडाउन की वजह से व्यापारियों ने खरीदना बंद कर दिया, सस्ता खरीदा, व्यापारियों को भी घाटा हुआ, तो उसी प्रकार हमारा भी घाटा हो गया। कोरोना संकट का असर आम के निर्यात पर भी पड़ा। सामान्य समय में भारत से 50,000 टन आम का निर्यात होता है, लेकिन इस बार इसमें भारी गिरावट आई है। इससे आम के दाम 15-20 रुपए प्रति किलो तक गिर गए हैं। इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शुरू हुए लॉकडाउन के दूसरे दौर ने भी मुश्किलें बढ़ाई हैं। कारोबारी दूसरे राज्यों में आम को नहीं बेच पा रहे हैं। वह अब तो कहने लगे हैं कि शनिचर इतवार दोनों दिन लगेगा, हर शनिचर इतवार को लॉकडाउन लगेगा, तो उस वजह से तो और परेशानी होगी हम लोगों, तो जो खाना पीने की तकलीफ हो जाएगी। और जब आम ले जाएंगे बड़ी मुश्किल पहुंच पाएगा, अगर निकलने देंगे, अगर नहीं निकलने देंगे तो हमारा तो माल तो खराब जाएगा, उसमें और क्या घाटा होगा। 3 दिन की मंडी बंद है यूपी में लॉकडाउन की वजह से, अब हरियाणा लेके जा रहे हैं, पहले तो वहाँ बिक जाता था, अब सब हरियाणा लेके जा रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा डाउन, जितना पहले जाता था उसमें आधे से भी कम रेट में जा रहे हैं। सरकार से मुआवजे के लिए कहना चाहिए कि हमारे बारे में सरकार को सोचना चाहिए, जैसे गेहूं की फसल के किसानों बारे में सोचते हैं, सरकार हमारे बारे में थोड़ा कुछ सोचे। यूपी ही नहीं, पंजाब में भी बागवानों का कुछ यही हाल है। हालत यह है कि सरकारी बाग का ठेका लेने वाले व्यापारियों को 60-70% तक का घाटा झेलना पड़ रहा है, लेकिन घाटे के बावजूद सरकार से इन्हें कोई छूट नहीं मिली है। कहीं से भी देंगे चाहे हमें नुकसान हो या कुछ हो, लेबर को तो पैसा देना ही पड़ेगा और सरकार को भी पैसा देना पड़ेगा, सरकार की भी कोई रियायत नहीं है हमारे साथ। यानी कि जितने में आपने ये ठेका लिया है उतने पैसे सरकार को आपको जमा कराने पड़ेंगे, सरकार को भी कोई छूट ही नहीं देती हम। केंद्र ने लॉकडाउन के दौरान बागवानी से जुड़े किसानों की मदद करने के लिए राज्यों से मार्केट इंटरवेंशन स्कीम यानी बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करने को कहा तो जरूर था, लेकिन ये योजना कहीं पर भी जमीन पर उतर नहीं पाई। ये योजना बागवानी उत्पादों की कीमत में बीते साल के मुकाबले दाम में 10% से ज्यादा की गिरावट आने के बाद लागू होती है। इसके जरिए किसानों से एक निश्चित दाम पर उपज की खरीद की जाती है और इससे होने वाले नुकसान को केंद्र और राज्य सरकारें आपस में आधा आधा बांटती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो आम बागवान और कारोबारी काफी परेशान है, इस पर और ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर डीएन ठाकुर जो कि फॉर्मर डिप्टी एमडी हैं एनसीडीसी यानी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। आपका बहुत बहुत स्वागत है ठाकुर साहब किसान बुलेटिन में। ये बताएं कि इस स्टोरी में हमने दिखाया कि किस तरह से जो किसान है, जो बागवान है, कारोबारी है, वो बहुत परेशान है। पहले मौसम खराब मौसम, उसके बाद कोरोना और लॉकडाउन, इस पूरे वजह से जो आम की जिस तरह से कारोबार हुआ करता था इस बार बहुत बुरा हाल है, ठंडा कारोबार है, जबकि उत्पादन भी कम हुआ है, खराब मौसम और तमाम ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से उत्पादन कम रहा, लेकिन फिर भी भाव जो है ऊपर नहीं चढ़े हैं और किसान बेहद परेशान हैं। ऐसे में ये समझना चाहेंगे कि सरकार की किस तरह की जिम्मेदारी आप देखते हैं, कौन सा वो टूल है जिससे सरकार किसानों की हैंड होल्डिंग कर सकती थी, उनको सपोर्ट दे सकती थी, भरोसा दे सकती थी।
देखिए अभी के प्रेजेंट सिचुएशन में तो सरकार के पास एक ही स्कीम है, दैट इज कॉल्ड मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑपरेट करती है। इसमें सारे पेरिसेबल कमोडिटीज कवर्ड है, इंक्लूडिंग आम भी कवर्ड है। इसमें कंडीशन ये है कि स्टेट गवर्नमेंट को इसमें आगे आना होगा और उनको मंत्रालय को, कृषि मंत्रालय को अप्रोच करना होगा कि हम अपने राज्य में स्कीम चलाना चाहते हैं अपने, और उनको अपनी एजेंसी भी आइडेंटिफाई करनी होगी। तो उसमें फिर जो मंत्रालय भारत सरकार उसमें जो उनका लॉस बियर करती है इन द डिफाइंड प्रपोर्शन, यही आज के डेट में एक इंटरवेंशन का टूल है जो भारत सरकार के पास में है, जिससे वो आम के कारोबारियों की मदद कर सकती है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि तो एक बात बताएं, जब ये मार्केट इंटरवेंशन स्कीम ऑलरेडी एक टूल है जी, और इसमें राज्य सरकार को आगे आना होगा जैसे कि आप बोल रहे हैं, तो इसमें ये जब केंद्र सरकार ने बोला कि इस तरह की मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लागू की जाए, फिर क्या कारण है कि ये टेक ऑफ नहीं हो पाई? क्योंकि ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है इस वक्त, एक सामान्य से एक अलग स्थिति आई जिसका अलग तरीके से इसका निराकरण करने की जरूरत थी, और तब से अब तक किसान सिर्फ राह टक रहे हैं, अभी तक कुछ भी इस पर बात आगे नहीं बढ़ पाई है। बिल्कुल सही। देखिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम कोई आज का नहीं है, ये बहुत पुराना स्कीम है, इसमें बहुत पहले से एक इसका डिजाइन किया हुआ है। ये इस तरह का जो कोविड के कारण जो प्रॉब्लम आया और पूरे नेशन में जो इस तरह का प्रॉब्लम आ गया, सी दिस इज नॉट ए लोकलाइज कैलेमिटी। मान लीजिए किसी एक स्टेट में आम का फसल ज्यादा हो जाता, वहां पिकअप नहीं होता, ट्रांसपोर्टेशन नॉर्मल होता तो ठीक था, एमआईएस काम करता। इसमें सारे चीज ठप हो चुके हैं। इस तरह के कैलेमिटी में ऐसे अभी वैसे तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने भी एक स्कीम दिया है फ्रॉम टॉप टू टोटल, उसमें सारे कॉमोडिटी को कवर कर रहे हैं, पेरिसेबल को उसके लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दे रहे हैं। लेकिन ये सब तब काम करेगा जब ट्रांसपोर्ट चले, तब तो सब्सिडी का जरूरत है, जब मार्केट खुलेगा तब तो उसकी जरूरत है। तो अभी क्या था, अभी कैलिब्रेटेड वे में अगर हमारे पास सिस्टम होता तो हम इन प्रोडक्ट को बहुत लिमिटेड वे में मार्केट में लाते, क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है, मार्केट में दुकान ही नहीं खुल रहे हैं, मार्केट में मंडी यार्ड ही नहीं खुल रहे हैं। तो इतना जो सामान आएगा वो मार्केट में आ नहीं सकता, किसान रखेंगे तो डैमेज हो जाएगा। तो इसके लिए हमें जितने पेरिसेबल के लिए वी शुड हैव थॉट फॉर ए लॉन्ग टर्म स्टेबल सॉल्यूशन, और उसमें फ्रॉम एट फार्मर लेवल से लेकर कंज्यूमर के टेबल तक पूरी चेन को क्या क्या जरूरत है, उस तरह के लॉजिस्टिक, उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, उस तरह के इंस्टीट्यूशन को डेवलप करना चाहिए था और डेवलप करना होगा, क्योंकि कोविड इज जस्ट एन आई ओपनर, ये हमारे लिए समझिए एक विपदा ही है जो हमारी आंख खोल सकती है कि ऐसी विपदाएं और भी आ सकती है, और इसके लिए पूरे सिस्टम को हमें गियर अप करना होगा। केवल एमआईएस के भरोसे अगर हम चाहेंगे कि पेरिसेबल को मैनेज कर ले वो संभव नहीं है। तो एमआईएस को हैंडल करने के लिए जो नेफेड का रोल है उसके लिए, उस पर आप क्या कहेंगे? इन सब कई सारे पेरिसेबल्स, फॉर एग्जांपल मैंगो में तो नेफेड ने हाथ ही खड़े कर दिया, नेफेड तो करेगा ही नहीं, तो इसमें तो हर हाल में स्टेट को ही आगे आना होगा। तो केवल एक नेफेड के भरोसे, नेफेड का चीन कहां है? नेफेड आज आम ले भी लेगा किसी स्टेट में जाके तो कैसे लाएगा उसको, क्योंकि आम के लिए इम्पोर्टेंट है कि वहीं फार्म गेट पे उसकी प्री कूलिंग ट्रीटमेंट करनी होगी, फिर उसको लाके रखना होगा किसी कोल्ड स्टोरेज में, फिर उसके लिए पूरा रेफर वैन चाहिए जो उसकी क्वालिटी को बर्बाद न करे, फिर मार्केट में चाहिए जहां ये मार्केट में ड्रॉप होगा, मंडी में वहां पर चाहिए पूरी कोल्ड स्टोरेज। सो ऑल दीज पेरिसेबल्स रिक्वायर अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट, वो नेफेड गियर नहीं है इसके लिए। नेफेड इज ओके विथ दाल एंड ऑयल सीड्स, इस तरह की मैंगो इस तरह की पेरिसेबल कॉमोडिटी को या वेजिटेबल को हैंडल करने के लिए नेफेड नहीं है गियर, और नेफेड कर भी नहीं रहा है काम को, मना भी कर दिया। एक बात बताएं, अभी
जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर गवर्नर डी सुब्बा राव का भी स्टेटमेंट आया है कि जो फार्म सेक्टर है वो प्रॉमिसिंग दिख रहा है, एक सिल्वर लाइनिंग है इन तमाम खराब खबरों के बीच, तो फार्म सेक्टर को तरजीह देने की जरूरत है और जो अच्छा मॉनसून है उसके बीच खेती जो है और ज्यादा फलेगी फूलेगी। लेकिन इस सबके बीच आपको लगता है कि ये एक दो इंडिकेटर्स या बीच बीच में इस तरह की बातें आश्वासन देने के लिए तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जिस तरह की, जैसे ये आम की ही बात कर रहे हैं या एक्सपोर्ट की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, हम खेती में ऐसी वो क्या चीज लाएं, वो क्या सुझाव हो जो इस तरह की दिक्कतों को दूर कर पाए बुनियादी स्तर पर और एक्चुअली हमारे लिए ये सिल्वर लाइनिंग प्रूव हो सके। देखिए, खेती, मैं एक चीज आपको बताऊं, खेती में ना गवर्नमेंट की जरूरत है, जो मेरे विचार में गवर्नमेंट और गवर्नेंस से ज्यादा खेती में जरूरत है हमें एक सिस्टम की जो फैसिलिटेटर हो, इनेबलर हो और जो फार्मर और उस पूरी चेन को स्ट्रेंथन करे। ये पूरा का पूरा बिजनेस है, फार्मिंग एज ए बिजनेस। पहले तो हमें ये मानना होगा ये चैरिटी नहीं है, ये कोई उस बेनिवोलेंस नहीं है, ये पूरा चेन बिजनेस चेन है। किसान उगाता है उसमें उसको इनपुट लगता है, खर्चा लगता है, इसलिए उसको पॉजिटिव रिटर्न चाहिए। फिर जो उसके बाद आएगा उसको भी लागत लगती है, उसको पॉजिटिव रिटर्न चाहिए। तो पूरी चेन तभी सस्टेनेबल हो सकती है जब पूरी पॉजिटिव रिटर्न पे बेस्ड हो। तो ये मॉडल ऐसा होना होगा जो वायबल मॉडल होगा हर जगह। और वायबिलिटी कब आएगी? व्हेन वी ट्यून एवरीथिंग, अल्टीमेटली सब चीज मार्केट से होगा, बिकेगा तभी प्रॉफिट आएगा। तो मार्केट से इसको ट्यून करने के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाने होंगे, फार्मर को फायदा हमें पहुंचाना है, फार्मर को बेनिफिट करना है। तो मोर देन दिस पीस मिल सब्सिडी या MIS, जरूरत यह है कि वो मजबूत हो, वो कैपेबल हो कि वो मार्केट फोर्सेस को अपने पक्ष में बात कर। अभी क्या है, टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो फार्मर के फेवर में कभी नहीं होते हैं, ये मोस्टली इन फेवर ऑफ मार्केट होते हैं, जो मार्केट प्लेयर है। तो फार्मर को हमें पहले उसको ग्रुप करना होगा, कलेक्टिव बनाना होगा। ये कलेक्टिव, उसके लिए हमें फार्मर के बीच में तरह के कैटलिस्ट, उनके मोटिवेटर तैयार करने होंगे जो उनका बीच का होगा। सी डायरेक्शन या डायरेक्टिव से कोऑपरेटिव या कलेक्टिव नहीं बन सकती, क्योंकि इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है वो ट्रस्ट, वो है फेथ। जो डायरेक्टिव से नहीं आ सकता, जो किसी डायरेक्शन से नहीं आता, जो कुछ मनी के इंसेंटिव से नहीं आ सकता है, तो वहां फार्मर के लिए हमें वो बनाना होगा। फिर उसी चेन को लेते हुए बेस पे फार्मर आए, फार्मर की कलेक्टिव, वो हर क्रॉप के लिए, चाहे पेरिसेबल हो नॉन पेरिसेबल हो, फिर उसकी क्या जरूरत है मार्केट तक लाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंगो है, तो मैंगो के लिए राइट फ्रॉम फार्म टू मार्केट आपको डिफरेंट चेन बनाने होंगे। मैंगो का मैं एक चीज बताता हूँ, अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी एक US के बड़े जाने माने एक्सपर्ट है क्रायोजेनिक प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के, वो कह रहे थे कि हम मैंगो इस तरह की पेरिसेबल की तो हम पूरी की पूरी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो पाउडर बाद में एग्जैक्टली मैंगो का पल्प बन जाएगा, कुछ भी उसमें मिक्स नहीं होगा, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होगा, क्योंकि वो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी से वो पाउडर बनेगा, वही वैक्यूम पैकिंग हो जाएगी। एंड ही वाज सेइंग देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर ऑल दिस थिंग, देयर आर इन्वेस्टर हु आर रेडी, लेकिन इन्वेस्टर कब आएंगे जब उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगी, जब गवर्नमेंट है। तो मेरे ख्याल से अगर गवर्नमेंट एक कदम, आई नॉट से कम बैक, बट सरकार एक बार रुक के सोचे कि क्या हम ही सब कुछ कर सकते हैं क्या, अंट दीज प्लेयर्स जो मार्केट क्रिएटेड है, जो फार्मर है, जो किसान या खेती, तो सारे सिस्टम से पहले का फायदा इसे, इंसान भी पहले आया, खेती पहले आया, तब जाके गवर्नेंस सिस्टम आई है, रिफॉर्म होते रहे हैं, किसान तो है, तो क्या वो नहीं अपना काम कर सकते क्या? Isn't that farming is a viable thing? क्या हमें हर चीज रोल बेस्ड ही करना होगा क्या? इन चीजों पे हमें बहुत सीरियसली सोचना होगा। आज मैंगो का एक टेस्ट केस आया है। जी ठाकुर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फूड को थॉट दिया है, ये सोचने विचारने की जरूरत है, जो आपने इनसाइट दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।